अज पटियाला दे सर्कट हाउस दे बाहर यूथ कांग्रेस दे वर्करां वल्लों अरविंद केजरीवाल दे खिलाफ मुर्दाबाद दी नारेबाजी कीती गई है। उन्हां कहा कि एस वाई एल दे मुद्दे नूं लैके अरविंद केजरीवाल गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पहलां जाके उह दिल्ली दे पाणी नूं देख लैण, दिल्ली विच पाणी दी किन्नी कमी है, फिर पंजाब दे पाणी नूं वंडण दी गल करन। अते कोई कौण हुंदा पंजाब दे पाणी नूं वंडण वाला? पंजाब विच तां पाणी दी पहलां ही किल्लत है। इस पूरे मामले ते यूथ कांग्रेसी वर्करां ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति नूं चमकाउण दे लई पंजाब दौरे ते आए हुए ने अते एस वाई एल दे मुद्दे ते गलत बयानबाजी कर रहे ने। असीं बाहर धरना लाया होया जी, सर्कट हाउस के अंदर केजरीवाल साहब बैठे ने। असीं सिर्फ उन्हां नूं एक सवाल, दो चार सवाल पुछण वास्ते अज असीं धरना लाया कि जिहड़े पंजाब दे हमायती अपने आप नूं कहिंदे ने, इह हमायती कह के पंजाब दीआं वोटां लैणा चाहुंदे ने, पंजाब दे लोकां नूं गुमराह कर रहे ने। अज एस वाई एल दे मुद्दे दे उत्ते सरकार दा ला लो तुसीं, सुप्रीम कोर्ट दा जिहड़ा वर्डिक्ट आया उह पंजाब दे अगेंस्ट, उहदे बारे अज आए नूं अज कई दिन हो गए, पर केजरीवाल साहब वल्लों उहदे बारे ना कोई ट्वीट आया, ना कोई इहनां दा बयान आया। अगे ट्विटर ते रहिण वाले केजरीवाल साहब अज स्पष्ट करन कि अज पाणियां दे मुद्दे दे उत्ते इह पंजाब दे नाल ने, हरियाणे दे नाल ने, कि इह किसे किहदे नाल ने, अदरवाइज इह पंजाब वड़ना बंद करन, पंजाब दे लोकां नूं गुमराह करना बंद करन। असीं इह धरना लाया केजरीवाल नूं कुछ सवाल करन लई कि उह एक्स वाई एल मुद्दे ते अपना स्टैंड स्पष्ट करे कि उह पंजाब दे नाल है या हरियाणे दे नाल है। ते मैं मैसेज देना चाहूँगा मेरे पंजाबी सारे पंजाबियों नूं कि केजरीवाल एक उह शख्स है जिहड़ा कदे कहिंदा सी मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लऊंगा किसी भी तरह की। तुसीं अपना कैमरा घुमा के देख सकते हो कि अज जैड सिक्योरिटी लई फिरदा, तुसीं देखो भी उह इंसान है जिहड़ा किसी भी गल ते खरा नहीं उतरदा। ते असी कुछ सवाल ने इहनू पुछांगे ते उह साडा असी कुछ आ दिखाउणा चाहांगे पंजाब दे लोकां नूं। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਭਾਰਾ ਕਿ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਤ ਸੇਵਕ, ਵੈਬ ਟੀਵੀ। Audio Jungle.